हाय, आई एम अभिषेक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर सो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल 360 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना, ठीक है। तो देखिये दिया हुआ एडजॉइनिंग फिगर है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ, एक एक ट्रायंगल दिया हुआ। तो ये आपका जो मिस बोल रहा है क्या एंगल जो ये होगा, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई और एंगल एफ, ये सारा का सम करके 360 डिग्री आपको प्रूव करना है। देखिए मैं प्रूव कर, टू प्रूव में क्या करना, मैं साबित क्या करना, टू प्रूव दैट हमें साबित क्या करना है, जो एंगल ए होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, राइट फ्रेंड। यही हमें इतना बराबर आपको 360 डिग्री प्रूफ करना, मीन्स इतना एंगल इक्वल 360 डिग्री प्रूफ करना। चलिए हम इसके बाद देखिए प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ में चलेंगे तो कौन सा ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ट्राइंगल में चलूंगा ई ए सी में चलेंगे, इन ट्राइंगल ई ए सी में, ई ए सी में चलेंगे। तो ई ए सी में चलेंगे तो लिखेंगे एंगल ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हुआ कैसे, तो लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट फ्रेंड, इज 180 डिग्री होता, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन यहां से फर्स्ट हो गया, राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगेन चलेंगे फिर से एक और एडजॉइनिंग फिगर था, तो एक और सेकेंड ट्राइंगल है ना, इसमें चलेंगे। तो इन ट्राइंगल, अब नेक्स्ट वाला ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, अभी तो मैं ई ए सी में चला, अब मैं चलता हूं डी एफ बी में चलते हैं, इन ट्राइंगल डी एफ बी में चलता हूं, डी एफ बी में, राइट फ्रेंड। तो देखिए तो यहां पर बनेगा क्या, एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी, राइट, एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री होता है, राइट फ्रेंड, इक्वल 180 डिग्री। तो लिख देंगे 180 डिग्री, आप यहां पर 180 डिग्री लिख देता हूं, कैसे, तो बोलिएगा द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो देखिए तो यहां पर बन गया ये आपका इक्वेशन सेकेंड, राइट फ्रेंड, ये आपका इक्वेशन सेकेंड बना। यहां से फर्स्ट मैं इस ट्राइंगल से चलता हूं ई ए सी से, तो एक इक्वेशन फर्स्ट बनता, और डी ए बी से चलता हूं तो ये इक्वेशन सेकेंड तैयार होता है, राइट फ्रेंड। आप क्या करेंगे, ऑन एड जोनिंग, मैं क्या करता हूं, ऑन एड जोनिंग द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, तो मैं क्या करता हूं, ऑन एडिंग कर सकते हैं, सॉरी मैं एडिंग कर देता हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को एड करता हूं। तो देखिए एलएचएस वाला एलएचएस के साथ ऐड करना है, आरएचएस का आरएचएस के साथ ऐड करना है, राइट फ्रेंड। तो देखिए मैं ऐड करता हूं, तो एलएचएस देखिए तो एंगल देखेंगे ई फर्स्ट इक्वेशन से ई ए सी, राइट, ई प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस ई वाला हो गया ई एंगल ए प्लस एंगल सी, राइट, ये एलएचएस हुआ। और एलएचएस के साथ देखिए यहां पर भी दिया हुआ, तो एंगल डी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल बी, राइट, इक्वल टू आर एच एस वाला टर्म 180 है फर्स्ट इक्वेशन से प्लस सेकेंड इक्वेशन से 180 है, राइट फ्रेंड। देखिए यहां पर इस तरह का भी रिजल्ट गेन हुआ। अब क्या करेंगे, इसे मैं अरेंज कर दिखाता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, राइट, एंगल ए प्लस एंगल यहां पर बी प्लस एंगल सी प्लस और एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस और एंगल एफ इक्वल 180 डिग्री, राइट फ्रेंड। ये आपका यहां पर प्रूव्ड हो गया, ये आपको प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए यहां पर कैसे, यही तो हमें प्रूव करना था, टू प्रूव में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल 360 डिग्री, राइट। तो आपको भी देख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल 360 डिग्री, हेंस प्रूव। हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन अ बेल आइकन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।